नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। देश के 15वें राष्ट्रपति के नाम का इंतजार अब से कुछ देर में खत्म हो जाएगा। संसद के कमरा नंबर 63 में बैलेट बॉक्स खुलने लगा है, जहां वोटों की गिनती की जा रही है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के बीच कहने को सीधा मुकाबला है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। मुर्मू को एनडीए दल के साथ शिवसेना, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। वहीं यशवंत सिन्हा को कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी और एसपी का समर्थन मिला है। मुर्मू की जीत को लेकर अश्वत्थ बीजेपी नतीजे आने के बाद दिल्ली में विजयी जुलूस निकाली थी। ऐसा पहली बार नहीं होगा जब राष्ट्रपति की जीत के बाद जुलूस निकाला जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजपथ तक इस जुलूस की अगुवाई करेंगे, वहीं भाषण देंगे। पहली बार आदिवासी महिला के राष्ट्रपति चुने जाने का श्रेय पीएम मोदी को देंगे। हालांकि जुलूस में मुर्मू शामिल नहीं होंगी। द्रौपदी मुर्मू की जीत की घोषणा होते ही देश भर में जश्न शुरू हो जाएगा। द्रौपदी की जीत से बीजेपी आदिवासी समुदाय सहित पूरे देश और खास तौर पर महिलाओं में खास संदेश देना चाहती है, जिससे मुख्य धारा से कटे इस समुदाय में राजनीतिक मैसेज जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के वंचित तबकों और वर्गों के लिए काम करते हैं। यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के बाद पोस्टर में द्रौपदी मुर्मू के साथ किसी और नेता की तस्वीर न लगाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी राष्ट्रपति चुनाव से ही 2024 में होने वाले आम चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने 21 जून को मुर्मू को उम्मीदवार बनाया था। तब एनडीए के खाते में 5,63,825 यानी 52% वोट थे। 24 विपक्षी दलों के साथ होने पर सिन्हा के साथ 4,80,748 यानी 44% वोट माने जा रहे थे। बीते 27 दिन में कई गैर एनडीए दल समर्थन में आने से मुर्मू को निर्णय जो बढ़त मिल गई है। सभी 10,86,431 वोट पड़ते हैं तो मुर्मू को 6.67 लाख यानी कि करीबन 60% से ज्यादा वोट मिलेंगे। सिन्हा के वोट घटकर 4.19 लाख रह गए। जीत के लिए 5,40,065 वोट चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ।